विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषताय गौरीसुताय गरनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि 4 मई 2022 दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को इसे विनायक गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विनायक गणेश चतुर्थी के व्रत में इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेषकर विनायक गणेश चतुर्थी के व्रत में मध्याह्न काल के समय में भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए और संध्या के समय में जब चंद्रमा उदित होते हैं उस समय चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग बस तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है। हे माता, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना करने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। यह कहकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत की ओर चले गए। एक वर्ष होने के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा, पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चल कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान भोलेनाथ से बताई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह दूर हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय
स्वयं माता पार्वती से मिलने आया। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होकर मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय। जो भी जातक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि गणेश चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्न विनाशक, आज मैं आपके श्री विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हैं। इस प्रकार से संकल्प करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश को कहें। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। एक समय पूजन सुबह में करना चाहिए और फिर दोपहर में भगवान का नाम का जप करना चाहिए। गणेश का पूजन करें और फिर चंद्रोदय के समय में और चंद्रमा को फिर अर्घ देते हुए इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दिन भर व्रत उपवास रहें। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन भगवान गणेश के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पे एक मंडप बनाए। वहां चौकी रखे। उस चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके भगवान गणेश जी का मूर्ति या फोटो रख करके भगवान गणेश का पूजन करें। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के साथ साथ इस दिन माता दुर्गा का भी पूजन किया जाता है। इससे माता भवानी प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। तो भगवान गणेश को इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश को इस दिन जल से उनका अभिषेक करें, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल भगवान गणेश को अर्पित करें, भगवान गणेश को वस्त्र चढ़ाएं, भगवान गणेश को पीताम्बर या लाल वस्त्र चढ़ाएं तो यह लाभकारी होता है। उनको यज्ञोपवीत अर्पित करें, अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करें। विशेष करके भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है तो भगवान गणेश को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं और भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाया जाता है जिससे कि दूब घास भी कहा जाता है। भगवान गणेश को दुर्वा दल चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश के पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी दल ना ही नैवेद्य में भोग लगाना चाहिए और ना ही भगवान गणेश को तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। उसके बाद भगवान गणेश को अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश को अर्पित करें। विशेष करके भगवान गणेश को तिल का लड्डू या मोदक का भोग भगवान गणेश को लगाएं। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। उसके बाद फिर भगवान गणेश को द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करें भगवान गणेश को। पुंगी फल जो कि सुपारी होता है और तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को अर्पित करने चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।